सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपने क्या मतलब कि आपके व्हाट्सएप पे जिस भी दोस्त वगैरह के व्हाट्सएप स्टेटस आते हैं, वीडियो में आते हैं, फोटो में आते हैं, उनको डायरेक्टली आप अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी आपको इसको डाउनलोड करने के लिए किसी क्रोम ब्राउज़र पर नहीं जाना, कोई और ऐप डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ आप अपने व्हाट्सएप से इनको सेव कर सकते हो डायरेक्टली। एक छोटी सी ट्रिक है जिसका कि आपको फॉलो करना है, उसके बाद इसको आप आसानी से सेव कर पाओगे। कैसे करना है इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के लिए सब्सक्राइब। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ओपन कर रखा है। अब यहाँ से मैं कुछ जो स्टेटस है उसको प्ले करके देख लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, जिस भी व्हाट्सएप स्टेटस को आपको सेव करना है अपनी गैलरी में, उसको आपको एक बार प्ले जरूर करना है। तो फुल प्ले कर लिया है, अब क्या होगा कि अब आपको आना है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको ट्रिक को फॉलो करना है, बहुत आसानी ट्रिक है। तो आपको करना क्या है कि आपका फाइल मैनेजर में आपको आना है। तो फाइल मैनेजर को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि एक गूगल फाइल्स है। अगर आपके मोबाइल में गूगल फाइल्स नहीं है तो आप इसको आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, ऊपर थ्री लाइंस मिलेंगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में आपको आना होगा। जैसे आप लोग सेटिंग्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सो हिडन फाइल्स, जो कि आप देख सकते हैं। इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब ये कुछ इंटरफेस आएगा। तो नीचे आपको दो स्टोरेज मिल रही होंगी, इंटरनल स्टोरेज और अदर स्टोरेज। तो आपको इंटरनल स्टोरेज पे जाना है। जैसे आप लोग इंटरनल स्टोरेज पे जाओगे तो ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा एंड्रॉयड का, तो आपको एंड्रॉयड पर जाना है। और यहाँ से आपको तीन फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। तो जो दूसरा फोल्डर है मीडिया का, तो आपको मीडिया फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे मीडिया फोल्डर में क्लिक करोगे, अब यहाँ से आपको व्हाट्सएप का फोल्डर ढूंढना होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है com.whatsapp। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर नीचे आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप वीडियो सेशन, व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो, व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो, सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ऊपर ही ऊपर दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन है, आप देख ही सकते हैं स्टेटस का। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी उसको ना स्टेटस लगा रखा था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ऐसे ही आप अपने स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं किसी और के को। फिर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।